और शादी का है ही चल रहा अभी सीजन, हाँ बस फर्स्ट क्लास पहन के जाना है। पैसों की बरसात हो रही है, पैसों की बरसात। मैं सुबह सुबह मार्केट आ रखा था और यहाँ पे मुझे मिले हैं सर। हाय, चंडीगढ़ से आ रखे हैं। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा मिलके सर आपसे। आपसे मिलने के लिए आए हम। ये मेरी मम्मा है। हाँ। और ये मेरी बेटी है सताक्षी, और ये मेरी वाइफ, और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं न्यूज़पेपर में हूँ, पंजाब केसरी में, वहाँ पर जर्नलिस्ट पिछले 15 साल से। और सारा परिवार और हमारे जितने रिश्तेदार हैं आपका चैनल देखते हैं। और एक मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ा रहे हो, प्लस जो सिद्धबली मंदिर में इतना मेले में अभी इतनी भीड़ होने लगी है, आप सब यूट्यूबर्स की वजह से हो रही है जो इतना दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत पहले भी एक बार मैं आया था, तब इतनी भीड़ नहीं थी। ये जो आप सब दिखा रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने कब देखा था व्लॉग सिद्धबली मंदिर का? पिछले साल या पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी देखा। हम तो पिछले 2-2.5 साल से आपको कवर करते हैं, तो इसलिए सर यहाँ आ रखे थे मेले में कि चलो इस बार चलते हैं वहाँ। हाँ बिल्कुल, हम आए इसी करके क्योंकि ज्यादा अच्छे तरीके से आपने दिखाया और हमें पता लगा क्या क्या। और हमने कहा जागर भी देखने, रोड भी कटेगा, रोड का प्रचार, ये सिर्फ आपके चैनल की बदौलत। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, आंटी जी, हाँ जी, मम्मी पापा को, दादी को, हमारी मम्मी पापा को, दादी को हमारी तरफ से नमस्ते। और कभी आपने चंडीगढ़ आना हो, हाँ जी, हाँ जी, तो हम आपका इंतजार करें। जी जी बिल्कुल, मैं आपका आपका आपके पास मेरा नंबर है। कभी कोई किसी भी तरीके की, मैं वहाँ पर जर्नलिस्ट हूँ, किसी भी तरीके की जरूरत हो आपको चंडीगढ़ में, आधी रात को वहाँ पहुंचोगे आपके पास। ठीक है ठीक है ठीक है। एक छोटा सा सर की आवाज से लग रहा है बिल्कुल बुलंद आवाज है, जर्नलिस्ट वाली आवाज लग रही है। एक छोटे सा गिफ्ट हम आपके लिए लेकर आए थे, और ज्यादा हमें अगर पता होता चंडीगढ़ से तो हम वहाँ से एक स्पेशल पंजाबी शॉल लेकर आते। अगली बार आएंगे तो जरूर लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा। ये ज्यादा हिमाचली टोपी बोलेंगे ना इसे? हाँ, हिमाचली टोपी है, हिमाचल हम शिमला कहते हैं, वहाँ से लेकर आए। चलो धन्यवाद, धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुरेश। आपने अपना नाम बता दिया इसमें? मेरा नाम रुपेंद्र सिंह रावत है। वैसे मैं रिकनी खाल से हूँ, रिकनी खाल के अग्रगांव से। और आपका मैं तारकेश्वर ब्लॉग के टाइम से हमने पहला ब्लॉग अच्छा। आपका तो देखा जब आप तारकेश्वर, जब मैं लिखा था असवाल अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है वहाँ पर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने आपने मेरे को पहचान लिया था, क्या बात है। कहाँ देखते हो आप मुझे? टीवी में देखती हूँ। चलो बढ़िया, ठीक है, बाय बोल दो, बाय बाय बाय। आपसे मैं आप चंडीगढ़ में मिलूंगा, ठीक है। चलो भाई है, अच्छा बर्थडे में आना है, ठीक है, ओके, इनवाइट कर दिया। देखो ये मेरे साले साहब है, ये वीडियो कॉल है, ये भी बड़ा फैन है आपको। हेलो हेलो सर, नमस्ते सर, कैसे आप? फरीदाबाद दिल्ली से हैं, ये भी देखते हैं आपका, ये कहता है जाएंगे तो सेठ जी से। स्वास्थ्य कैसा आपका? स्वास्थ्य हाँ ले लो, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आऊंगा मैं फरीदाबाद, तो मिलता हूँ आपसे फिर। आंसू मेरा भी तोरे चाला पीड़ा ना। तो आप सभी को नमस्कार, स्वेश असवाल यूट्यूब चैनल में। अभी सुबह आपने देखा था, मैं हमारे एक व्यूअर से मिलने गया था, उसके बाद अभी मतलब ये हमारे घर पे ये पैकेज में आ रखे हैं, एक ये और एक ये भी हमारे व्यूअर ने भिजवाए हैं। तो ये वाला जो पैकेज है, ये करीबन इसको 10 दिन हो गए कम से कम, और ये वाला जो है ये तो कल ही आया है। इसे बहुत दिन हो गए और इसे खोलने का टाइम नहीं है इसे। अभी शादी हो रही थी ना, फिर मैं चाह रहा था कि अच्छे से दिखाऊं मैं ब्लॉग में, ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में दिखाऊं, एकदम आपको भी मजा आना है और जिसने इतने प्यार से भेजा है, क्योंकि कुछ अच्छा है इसमें। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कि अभी इतने दिन से भेज रखा और अभी तक नहीं खोला। कोई नहीं, अब चलिए अब करिए इसका उद्घाटन। राखी है क्या ये? तो मम्मी के लिए लग रहा है कुछ। अरे बाप रे भाई साहब, अब देना, अब ये देखने दिखाओ, ये देखना, अभी तो खुंदा खा रखे थे, अब देखो जरा, देख लेना अपने लिए। तो खोला क्यों नहीं, दिन से बोल रही थी। ये तो कल ही आया है, ये है 10 दिन से। वाह कितनी प्यारी लग, ये चंडीगढ़ से आ रखा है वाला गिफ्ट है? अब परसों शादी है, उसे पहनने हैं। परसों शादी नहीं, तेरी बहू के लिए ज्वेलरी आ गई, नक, मांग टिक्का, अरे बाप रे मंगलसूत्र। और कितना प्यारा लग रहा, देखो पापा चिढ़ रहे क्योंकि आपके लिए आ गया ना, पापा को लगा था वो मेरे लिए होगा। अरे आपके लिए नहीं, मेरे लिए। ये देख, ये बड़ा मंगलसूत्र, ये चरियो, चरियो, हाँ इसे चरियो बोलते हैं ना, मतलब ये छोटे उसको। चलो भाई देख लो क्या है, कान के झुमके, इधर दिखा दे पहले कान के झुमके। और ये बाप रे, ये बड़ा मंगलसूत्र लाल वाला, वो काला वाला, ये लाल वाला, और ये गले का, ये
आजकल चले हुए ना ऐसे, और एक ग्लोबंद, क्या बात है, मेरे को तो ग्लोबंद और ये ये दोनों बहुत अच्छा लगा। प्योर पहाड़ी ट्रेडिशन है, और ये भी नथ भी, नथ भी कितनी बढ़िया लग रही। अब पता ही मैं क्या करूंगी, पूरा वही गढ़वाली साड़ी पहन के, वो गत्ती वाली धोती लगा के सब पहन के अतः वाला डांस करूंगी। बोले मैं पहाड़न मेरा ढोका पहाड़ी। अबे ये क्या है, फोटो में? हाँ ये तो कहाना है, मुझे लगा ये हमारी फोटो है। अच्छा पर ये पता है खुद ही बना रखी जिसने भेजा है। अच्छा तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ अच्छा, तभी उन्होंने बोला था कि अपनी मम्मी से बोलना, मतलब उनसे पूछना कि कैसा लगा उन्हें ये गिफ्ट। बहुत ही सुंदर ऑयल पेंटिंग होगी। हाँ ये ऑयल पेंटिंग लग रही है, ऑयल लगी उसे कैनवस। कपड़े में है क्या? हाँ कपड़े में, कपड़ा भी। हाँ कपड़ा सा है भाई, कपड़े में है भाई, वो दूसरा कपड़ा होता है ना सिर्फ। सुंदर है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। पर पता ही कैसी है ये पेंटिंग, देख सेम ऐसे जैसे ये है हमारा, ये भाई इसमें फर्क है। अब वो तो ये है ना कि वो भी खाना की है, भी खाना की है दादा। हाँ पर पता ही क्या है, ऐसे वाली बनाते है ना, जैसे ये इन्हें देख रहे ये उन्हें देख रहे, ऐसी वाली पेंटिंग में क्या होता है कि प्यार बढ़ता है। ये बलसाड़ से आ रखा है। गुजरात से है ना? अच्छा गुजरात से। क्या नाम लिखा है उन्होंने, किस क्या किसका है? निधि। हाँ निधि रावत जी हैं जिन्होंने, सॉरी क्या, पटेल, पटेल पटेल। हाँ सॉरी निधि पटेल है। हाँ तो ऐसे कर रहे जैसे कि वो रावत ही रह सकते हैं वहाँ गुजरात में। निधि पटेल बहुत सुंदर लग रहा, बहुत ही प्यारा। बलसाड़े जहाँ तीर चाचा भी रहता है। हाँ हमारे चाचा जी भी रहते हैं। कहाँ लगाओगे इसे ये बताओ, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ सर के ऊपर लगा दो अपने। यहाँ पूरी खाली है देखो दीवार। अरे नहीं इसे तो फर्स्ट रूम में लगाऊ मैं, लोग भी तो देखेंगे फिर। कील तो नहीं है, कहाँ पर लगा? अरे तो वो तो गड़ जाएगी हद हो गई। और ये जो चंडीगढ़ से आया सामान ग्लोबंद और ये सब, ये सोनिया जी ने भेजा है चंडीगढ़ से। इनकी दुकान होगी इसका, लग तो रहा है प्रमोशन करवाया था अगर भेजे तो कुछ तो। वही तो चंडीगढ़ में दुकान है इनकी, ऐसी नहीं होगी दुकान, मुझे नहीं लग रहा होती तो पक्का बोल दो हो सकता है, क्योंकि इसका तो मुझे कोई पता ही नहीं है। उन्होंने बताया ना, मुझे नहीं बताया इसके बारे में। और ऐसे लग रहा रियल जैसा, सोने से कम नहीं है, खो जाए तो कम नहीं। ये अच्छा था। नहीं वो बस में आते हैं ना चेन लेके, तो रहती है ऐसी लोहे की। हाँ उसमें मतलब पानी चढ़ा रहता है ना ऐसे गोल्डन का, तब वो यूं ठक ठक मारेंगे छत पे। सोने से कम नहीं यार, खो जाए तो कम नहीं। पता ही क्या है, एक बार पापा कहाँ गए थे? दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली नहीं, दिल्ली से नहीं, साउथ की साइड गए थे कहीं। वहां से बस में वो चेन नहीं होता, चेन वेन जो देते हैं ये, पूरा एक पैकेट उठा के ले आए। मैं समझा शायद वहां से गोल्ड का कुछ ले आए। और जब उसकी डब्बी देखी थी मैंने कहा ये क्या ले आए, और वो ट्रेन में बेच रहा था। मैंने कहा अब ट्रेन। तो जिन्होंने पेंटिंग भेजी है उनका ये देखो, ये इंस्टाग्राम आईडी भी है art@nb। तो अगर आपको भी ऐसी पेंटिंग बनवानी है तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज कर सकते हैं। ये मैं एक बार पहन के दिखा रही हूँ, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। लंबी लंबी तो कोई नहीं हो, तो उल्टा बना दिया। नजरें कमजोर हो गई ना अब, क्या बात है, ऐसा लग रहा है फिरों के बाद वो कर रहे होंगे मंगलसूत्र पहना रहे होंगे, मतलब ऐसी वाली फील आ रही है। पहनाया नहीं था ना तब, नहीं पहनाया था क्यों? मंगलसूत्र नहीं था उस टाइम? जी हाँ नहीं बनाया था आपका? मुझे नहीं पता, ये देखना जरा हद हो गई। पता नहीं आपको क्या पहनाया था आपने मेरे को मंगलसूत्र? चलो बढ़िया भाई, अच्छा गिफ्ट रखा सबने, बहुत बहुत धन्यवाद। चिट्ठी माले की दे। तो अभी सारे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपने दोस्त के नुतेर में। तो मैं भूल गया था बिल्कुल, तो मेरा जो दूसरा दोस्त है उसका मैसेज कॉल आया कि भाई कब आएगा, पहुंचा नहीं अभी तक, तो तब मेरे को याद आया था, तो फटाफट निकला मैं अभी। और अभी चिराग के मैं अभी आ रखे थे घर पे, तो वहीं बैठा हुआ था उनके साथ, बातचीत चल रही थी, तो याद नहीं रहा मुझे शादी का। तो बस थोड़ी देर जाता हूँ वहाँ पे, खाना वाना खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे घर। उससे पहले यहाँ पे मैं अभी बढ़ा रहा हूँ पेट्रोल, और अभी देखो मेरी गाड़ी कितनी चल सकती है, 57 किलोमीटर। लेकिन जैसे ये जो मीटर है ये 100 से नीचे आता है, 100 किलोमीटर से नीचे कि तुम्हारी 100 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी, तो पापा का अंदर जो अलार्म होता है ना वो जाग जाता है एकदम, कि भरा पेट्रोल पेट्रोल भरा पेट्रोल भरा पेट्रोल भराने जाना है। तो अगर आप लोगों के घर में ऐसी ही है कि अगर जैसे 100 से नीचे आया तो वो हो गई बेचैनी, चाहे वो स्कूटी हुई चाहे वो गाड़ी हुई, तो कमेंट में बताना जरूर। भैया 1210 का पढ़ दो, नहीं खुला अरे गढ़वाले ने बाग लगो, गढ़वाले ने बाग लगो, बाग की बडेरा मेरा फाना बाग रे, अरे बाग की बडेरा मेरा फाना बाग रे, अरे मरी जलो मेरा, अरे
सॉरी डालो मेरा अरे गढ़वाले ने बाग लगो गढ़वाले ने बाग लगो बाग की वडेरा मेरा पां बाग रे अरे बाग की वडेरा मेरा पां बाग रे बबलुगो सबलुगो हल्दर साहब सुबदर साहब लिप्टन साहब गाने बंद हो गए भाई गाने बंद दोबारा चल गए ओ भाई अब बंद कर दिया ओ भाई अब होगा अब घमासान होगा अब मजा आएगा जब सारे लड़के चिल्लाएंगे भाई डीजे वाला साफ मना कर रहे हैं साफ ओ भाई ढोल वाला आ गया अब यहाँ से क्या बात है डीजे जब भी चलता है ना तो यही चलते हैं बजा रहे हैं मजा आ गया